खबरों को जानने के लिए टाइप करें विस्फोटक न्यूज, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर कोरोना वायरस महामारी की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की और कहा कि इस लड़ाई में देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई इस बैठक में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से जमीनी स्थिति का जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अगर सभी मिलकर इन राज्यों में कोरोना को हराने में सफल हो जाते हैं तो देश भी जीत जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 80% सक्रिय मामले इन 10 राज्यों में हैं, इसलिए कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में इन सभी राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी है। उन्होंने कहा, आज देश में सक्रिय मामले 6 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मामले हमारे इन 10 राज्यों में ही हैं। इसीलिए ये आवश्यकता थी कि ये 10 राज्य एक साथ बैठकर समीक्षा करें। प्रधानमंत्री ने इस बात पर संतोष जताया कि जहां सक्रिय मामले कम हो रहे हैं वहीं ठीक होने की दर भी बढ़ी है, इससे होने वाली मृत्यु दर में भी कमी आई है। उन्होंने कहा कि देश में मृत्यु दर पहले भी दुनिया के मुकाबले काफी कम थी और संतोष की बात है कि ये लगातार और कम हो रही है। उन्होंने कहा, इसका अर्थ है कि हमारे प्रयास कारगर सिद्ध हो रहे हैं। गांधी परिवार के सीधे हस्तक्षेप से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच महीने भर से चली आ रही खींचतान सुलझ गई। पायलट ने सोमवार दोपहर को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया। शाम को कांग्रेस आलाकमान ने उनकी शिकायतों को सुनने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की। ऐसा माना जा रहा है कि एक समझौता हुआ है जिसमें तय किया गया है कि पायलट समूह के विधायक गहलोत सरकार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और बदले में यह आश्वासन मिला कि बागियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। 200 सदस्यीय विधानसभा में गहलोत को 100 से अधिक विधायकों का समर्थन प्राप्त है। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने जानकारी दी कि 15 अगस्त से जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में 4G इंटरनेट सेवा बहाल की जाएगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि सरकार जम्मू कश्मीर के कुछ चुनिंदा इलाकों में 4G इंटरनेट सर्विस बहाल करने जा रही है। जम्मू और कश्मीर डिवीजन के एक एक जिले में ट्रायल के तौर पर 4G इंटरनेट सर्विस बहाल होगी, फिर अगले 2 महीने में इसकी समीक्षा की जाएगी।